हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग MSQ व्लॉग। सो गाइस, हम लोग हैं माशाल्लाह मुंबई के सबसे फेवरेट गोट फार्म पे, बोलूँगा तो गलत नहीं होगा, हमारे फैसल भाई के फार्म पे, RK गोट फार्म पे। माशाल्लाह काफ़ी दिनों बाद आज हम लोग यहाँ पर आए। लास्ट टाइम आए थे, फिर कुछ बात हुई, फिर उसके बाद होता रहता है, ठीक है। सो वीडियो पूरा देखेगा आज, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे फार्म का टूर करवाने की, ठीक है। सो वीडियो पूरा देखेगा, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले। शूट के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, मेल या DM करके आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर फैसल भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग इनसे भी मेरा नंबर ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, दुआएं अब बुजुर्गों की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या बोलते हैं, कैसी रही आपकी हैदराबाद की ट्रिप? चीफ गेस्ट बन के गए थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे। प्राउड मोमेंट था भाई मुंबई वाले लोगों, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुंबई को रिप्रेजेंट करने आप गए थे, ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत अच्छा है कि बकरेबाजी मुंबई से एक नेक्स्ट लेवल पर भी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हो पा रहा है मुमकिन, कि आप लोग जो पुराने खिलाड़ी जो हो उसकी वजह से माशाल्लाह ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पा रही है। खिलाड़ी नहीं है भाई, देखो हाँ, हर चीज़ का असबाब है ना अल्लाह ताला बनाता है। बेशक बेशक, बेशक। तो अल्लाह ताला ने जरिया बनाया, हम लोग काम कर रहे हैं कि लोगों के अंदर बीच में बकरेबाजी अच्छे से फैले और वो सही तरीके से काम, सही तरीके से काम, सही सच बोल के। सही, बकरेबाजी हैदराबाद की आपने देखी, वहाँ की जी कैसी रही, कैसी लगी वहाँ के लोगों के अंदर एकता और काम को लेकर? यूनिटी बहुत अच्छी है हैदराबाद में, माशाल्लाह हर घर में बकरे पड़ रहे हैं हैदराबाद में, और ब्रीडिंग सेटअप बहुत अच्छा है हैदराबाद में। एक्चुअली क्या है, लोग सोच रहे हैं कि पलाई का कॉन्सेप्ट के ऊपर, लेकिन मोस्टली सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हर घर में बकरे पलते हैं, खुद ही लोग पाल रहे हैं। हाँ, तो घर के टेरिस है, टेरिस जैसे अपने यहाँ पर नहीं है ना, अपने को तो भाई सोने के लिए जगह के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। सही है, तो बकरे किधर पाले, तो इसलिए हमारी दुकान चल रही है माशाल्लाह। वो तो मतलब कुछ ना कहीं ना कहीं अल्लाह ने किसी ना किसी की रोजी, वो लोगों का क्या है, घर के ऊपर ही टेरिस बनी हुई है, उसमें पालते हैं और बहुत अच्छे तरीके से खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह, और अच्छा सेटअप। आप जो गए थे ये फीड की ओपनिंग में गए थे, राइट? सर्वोत्तम गोट फार्म की, सर्वोत्तम फीड एंड फार्म्स, फीड एंड फार्म्स, फिरोज भाई का है और मेरे बहुत पुराने साथी है, 2011 से हमारी पहचान है। अरे वाह माशाल्लाह। मोस्टली बहुत सारी जो फीड प्रोग्राम अपने फार्म पे चेंजेस होते हैं तो उनके सर्विलेंस में या उनके गाइडेंस में ही, अपने यहाँ पे आरके पे मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। क्या बात कर रहे हैं माशाल्लाह, तो ये राज आज आप खोल रहे हैं, क्या बात है। तो मतलब इतने पुराने ताल्लुकात है उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर अब ये वीडियो आपकी जाएगी, मतलब काफी लोग आपको फॉलो करते हैं जी, आपको देखकर अभी वहाँ से भी ऑर्डर, उनको भी ऑर्डर, अगर आपको डिस्टर्ब तो होएगा कि भाई हमको भी वहाँ से कुछ अरेंज कराओ फीड वगैरह में। फीड का ऐसा है कि मैंने उनके वीडियो में, उमर भाई के वीडियो में, मैंने ऑलरेडी और आसिम भाई के वीडियो में ये बताया था कि फीड का प्रोग्राम वहाँ के लिए अभी फिलहाल चल रहा है। मैं जब तक ट्राई नहीं करूँ मेरे 10 बकरों के ऊपर, तब तक मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन फिलहाल वहाँ के लिए जो मैंने कॉन्सेप्ट देखा हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फीड का, उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर हर चीज़ है। अच्छा, तो हर चीज़ है उसके अंदर। जब आप ट्राई करोगे और आपके पास अल्लाह सक्सेस करा दे जी, तो फिर मुंबई वालों के लिए भी प्रोवाइड करेंगे वो, अवेलेबल रहेगा आरके गोट फार्म से ही अवेलेबल रहेगा इंशाल्लाह, तो फ्रेंचाइजी यहाँ पे रहेगी इंशाल्लाह, क्या बात है। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोग अपने फार्म का टूर कराते हैं फैसल भाई, काफ़ी टाइम हुआ है और है ना, वीडियो हम लोग एक ही नहीं बनाएंगे, ये पूरे केज एक वीडियो में लेंगे, फिर ऐसा करके डिवाइड करके लगभग लगभग इंशाल्लाह 2 से 3 वीडियो बनाते हैं इंशाल्लाह, चलेगा ना? हाँ, मेरे आप फिर मैं कब आता हूँ, 6 महीना साल भर बाद कब आऊँगा, क्या पूरे 6 महीने का पूरा कोटा बना के लेके चले जाओ। सही है माशाल्लाह। और मैं बता दूँ, एक हिसाब से तो ये सरप्राइजिंग विजिट थी, हम लोग ऐसे ही आ गए, खाना वाना खाया, मैं सो रहा था और आप सो रहे थे, मैंने इनको उठाया, आवाज़ दिया और माशाल्लाह फैसल भाई उठे, हम लोग ने सोचा थोड़ा गेट टुगेदर ये करते हैं, बातचीत करते हैं और फिर फार्म का टूर करेंगे। सो रहा भी किधर था, सोफे पे सो रहा था भाई, अपने लिए स्पेशल रूम कोई बना हुआ नहीं तो नहीं है, मैं देखा बाहर सोफे पे सो रहे थे आप। सही है, ये अभी हम लोगों का नया ये है बैडमिंटन, खेलेंगे अपन, आदमियों के लिए अपन भी खेलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी खेलते हैं, लेकिन आदमी लोग स्ट्रेस रहते हैं, दिन भर में मेहनत करते हैं, तो थोड़ा माइंड फ्रेश होने के लिए उनके लिए, मतलब मेन पर्पस उनके लिए था, मेन उनके ही है, और फिर अपने कस्टमर भी आते हैं सैटरडे संडे, तो वो भी खेलते हैं और हम लोग भी अपना थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। सही है, हाँ, हम लोग का तो पेट निकल रहा है माशाल्लाह। फैसल भाई बकरों के साथ फिट होते जा रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, मेरा भी निकल रहा है थोड़ा, अरे हम लोग का वो ज़्यादा निकल रहा है भाई।
बहुत नायाब चीज़ मैंने देख लिया हूँ, आगे वीडियो के अंदर देखना कंटिन्यू करके, वीडियो को स्किप मत करना। और भी अंदर इंटर करने से पहले मैं बोलूँगा, जो लोग भी अपने बकरे देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, है ना, कि ये मेरा बकरा था माशाल्लाह कैसा था क्या था। बकरों का फीडिंग टाइम चालू है, डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करेंगे फैसल भाई बकरों को हम लोग, है ना। वाओ, और ये देखो क्लीनिंग देखो माशाल्लाह। ओए माशाल्लाह उसकी मतलब बनावट देखो, बता रहा है वो बकरा डेढ़ साल से अपने पास, मतलब ये 2024 के लिए, हाँ ये साल कुर्बानी हो जाएगा माशाल्लाह। लेकिन बोलने का ये मकसद ये है, बकरा एक साल के ऊपर हो जाता है वो खुद को खुद यहाँ के क्लाइमेट में ढल जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, कर लेता है, तो फिर वो ऐसा बनावट में आएगा ही आएगा माशाल्लाह। 5 महीना 6 महीने में वो रिजल्ट रेयर केस में मिलता है। सही है, मैक्सिमम बकरों की फिटिंग देखो, पेट देख लो जो भी। ये तो इसी साल का होगा फैसल भाई, ये मेरे पास हो गया इसको 10 महीना हो गया, 10 महीना अच्छा लंबा अरसा हो गया। इसने अपनी सींग को क्या शेप दिया है भाई, घस घस के? ये घसता नहीं है ज्यादा, इसका शेप ही वैसा आया तब से। अच्छा ऐसे ही है, ओके ओके सही है माशाल्लाह। ये देखो ये भी, वाह ये भी अच्छा बकरा है भाई माशाल्लाह। ये आया था जब इतना सा छोटा बच्चा आया। अच्छा तो ये तो काफी टाइम हो गया होगा, मतलब एक साल के ऊपर हो, एक साल के ऊपर हो गया। सही है, सबका फीट टाइम है। ये देखो फीट टाइम पे फैसल भाई बकरे आपके अभी जगह खाली है? अभी आप देख लो इसके अंदर जगह खाली दिखेगी तो बता देना जगह। चलो सही है, जो भी रहेगा कैमरे पे रहेगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, दिस माय ऑल फेवरेट। हाँ वाह भाई, जमुनापारी पूरे हैं? टोटल 65 जमुनापारी अपने फार्म पे टोटल। वाह वाह, ये बीच में आपने ट्रेडिंग का भी चालू की थी, अभी भी चालू है? दिला दिया, बंद कर दिया अभी, बस अभी क्योंकि मेरे पास है ही नहीं जगह पालू की तरह। सही, ये चीज़ मैंने देखा था, ये मेंढा, और मैंने स्टार्टिंग में बोला था पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। कौन सी ब्रीड में है ये? विलायती। विलायती में? वाह, हर साल एक ऐसा मेंढा तैयार होता है माशाल्लाह, क्या चीज़ है फैसल भाई, क्या डिटेल पर क्या वेट वगैरह होगा इसका? ये इतना ज़्यादा वेट पे नहीं है, लेकिन इसके लुक की वजह से इसका वेट ज़्यादा आ रहा है। ये अप्रॉक्सीमेटली 82 केजी पे रहेगा। और दांतों पे कितना होगा ये? अभी ये चार दांत। चार दांत भाई, चार दांत पे 82 केजी पे खड़ा है वो। इसके बाद में एक नया चीज़ है और है। अच्छा ये जो बकरे अपन देख रहे हैं सब अपने पास की पलटी के हुए बकरे, मतलब बेच के अपने पास कन्वर्ट हुए? ये कस्टमर ने लेके आया, ये कस्टमर ने लेके आया, ये बहुत बचपन से पला हुआ है मेरे पास अलवर्ग। अच्छा ये मैंने दिलाया हुआ बकरा, ये कस्टमर ने लेके आया, ये कस्टमर ने लेके आया हुआ है। ओके माशाल्लाह, ये भी कस्टमर ने लेके आया, ये अपना दिलाया हुआ, ये अपना दिलाया हुआ, ये अपना दिलाया हुआ माशाल्लाह। तो जब फैसल भाई बकरे अपन दे रहे खरीद के, मतलब लोगों को बेचते हैं, तो कुछ ऐसा कंफर्मेशन देना पड़ता है कि भाई इतना वेट तक मैं पहुंचा दूंगा या मेहनत करूंगा ऐसा? देखो मैंने भी लोगों को, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत हाई रहती है। देखो मैंने बेचा हुआ बकरा भी है ना, मैं उसकी भी गारंटी नहीं लेता। हाँ क्योंकि नॉर्मली आया हुआ तो मैं मेरे बकरे की कैसी गारंटी ले सकता हूँ? इतना है कि एक महीना सेट करने तक अगर उसको कुछ भी हो जाता है तो मैं रिप्लेसमेंट या मॉर्टेलिटी भर के दे रहा था, जैसा मैंने एक वीडियो बोले भी था वीडियो में। बराबर बराबर, तो वैसा मैंने किया हूँ। ओके, और कुछ रैंडमली भी आते हैं बकरे जमुनापारी, तो भाई जमुनापारी बकरे अपन ने लास्ट वीडियो में भी बात किए थे, मोस्टली आते हैं वो आने के साथ में यहाँ पर सर्दी बताते ही है, पीपिया शो करते ही है, मॉर्टेलिटी चांस इनका ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरे बकरों को अगर 3 महीना ग्रेस पीरियड रहता है सेट होने का, तो इनका 6 महीना पकड़ के चाहिए। अभी अपनी ऑफ कैमरा भी यही बात हो रही थी कि एक नॉर्मल एक बकरे को जैसे कोई अदर फीड की बात करें तो उसको 2 महीना तो एनी हाउ जाता ही है, और जमुनापारी को कम से कम 6 महीने चाहिए 6 महीना सेट होने के। अगर जमुनापारी एक साल यहाँ पर रुक गया ना तो उसका आगे का रिजल्ट बताओ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो अब ये नुकसान किसका? ये कौन भर के देगा? 3,500 रुपया पलाई लोगों को ज्यादा दिखती है। हाँ। कोई भी फार्म वाले बराबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ। फार्म वाले को सही बात, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं, सही बात है। तो ये डैमेजेस
ये अभी मेंटेनेंस, अभी तुम्हारे को पता है कि काम चल रहा है, वो भी तो लास्ट में मेंटेनेंस भी होगा, सही है। तो ये पूरा दीवार तोड़ के गया और बकरा 3 महीना हो गया, सेट हो गया, बंदे ने बकरा लेके चले गया, वेट पे आना चालू, अरे और उसने ये डैमेज करके भी गया। अभी एक ये काम के लिए अगर अपन मजदूर को बुलाएंगे, मैं समझता हूँ दिन की हाजिरी मटेरियल ये सब मिला के कम से कम कुछ नहीं तो 3-3.5 हज़ार रुपये का बिल यही है। 3.5 हज़ार रुपया नहीं होएगा क्योंकि इसको बनाने के लिए ये पूरी, देखो ये लॉक हो गया दरवाजा, अरे भाई दीवार तोड़ के मेरे को बनाना पड़ेगा, दरवाजा भी आउट हो गया है। हाँ, तो पूरा तोड़ के पूरा वापस बनाना है, अलाइनमेंट पूरा खराब हुआ है मतलब इसका। नहीं तो भी मेरे हिसाब से 10-15 हज़ार रुपया खर्चा है, मेरे को तो सिर्फ यही दिख रहा था, लेकिन इसके फटके की वजह से पूरा डोर आउट हुआ हुआ है फिर। अच्छा, अब डैमेजेस बता दो कि हर महीने का मेंटेनेंस भी चलता है, सही बात है, मेंटेनेंस का कैलकुलेशन ही नहीं है गोल्ड फील्ड में, कोई भी करता नहीं है कैलकुलेशन, क्या बोले भाई चलो अपनी रोजी रोटी चल रही है चलो जाने दो, मेंटेनेंस कितना होता है, केजेस डैमेज होते हैं। ये तो दीवार तोड़ दिया, अभी आगे चल के और एक एक दीवार बताऊंगा। अच्छा ऐसा है क्या, ये पूरी बोर लाइन है माशाल्लाह, वाह, यहाँ पर कश्मीरी है और सानियन है, अच्छा, और यहाँ पर बोयर है, लेकिन टोटल बोयर अपने पास 40 बोयर है, 40 और सब पलाई पे, वाह। ये देखो ये भाई, ये बहुत हाइट वाला बोर है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये मैंने बेचा हुआ लास्ट ईयर आया था मेरा माल, उसमें का बेचा हुआ है, तभी तभी ये था कुछ 42 kg पे, ओके, अभी माशाल्लाह 75-80 kg पे गया, जो हिसाब की इसकी हाइट है माशाल्लाह बहुत बड़ा बोर है ये। और ये भी ये तो मेरे पास डायरेक्ट कस्टमर ला के दिए थे, मुबारक भाई का बोर है, डॉकयार्ड वाले, माशाल्लाह बोर प्लस मालवा मिक्स है, क्रॉस है ये, क्रॉस, ओके, ये बोर है, ये देखो ये केस, वाह वाह वाह, ये इसने इसका ही किया हुआ कारनामा है, ये इसका किया हुआ कारनामा, ये पहले इधर था, हाँ, ओके, ये देखो ये वापस तोड़ दिया है यहाँ पर इसने, हाँ यार, अच्छा इसने यहाँ पे वहाँ तो तोड़ा तोड़ा यहाँ भी जाके तोड़ दिया, हाँ, तो ये अभी डैमेजेस है, तो इसका मेंटेनेंस होता है, तो एक पाइप अगर आप लेने के लिए जाते हो, ये 1 इंच का पूरा 20 फीट का पाइप 350-400 रुपए का एक पाइप आता है गैल्वेनाइज, बराबर, फिर इसके बाद में वेल्डर को बुलाओ, वेल्डर को डे का 1500 रुपया देना पड़ता है, चाहे वो एक काम करके जाए या पूरे दिन का काम करके जाए, सही है भाई, बोर यार फैजल भाई, मैं कब से आपको बोल रहा हूँ शौक कराओ यार, बाहर क्यों निकाल रहे यार, बाप रे माशाल्लाह, अल्लाह इसको बुरी नजर से बचाए, डिस्क्राइब नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन चार दांत पे वाह, शौक करने की चीज है भाई, बहुत बेहतरीन। इनके कस्टमर का नाम क्या है? अपने आरिफ भाई, वडाला, वडाला वाले आरिफ भाई, बहुत यूज साइज का बोर है, मैं तो उसको नजर भर के देखूंगा भी नहीं, डर रहता है थोड़ी सी। ये बोर की फिटिंग देखो, ये अपुन ने दिए हुए सेकंड जनरेशन, ये मैंने लास्ट ईयर बेचा था इसको, तभी 32 kg पे था, अभी माशाल्लाह 80 के करीब वजन, माशाल्लाह माशाल्लाह, और इसकी फिटिंग देखो, दिल खुश हो गया भाई, बोर की इसकी फिटिंग देखो भाई, ये मेरे को फिट नहीं कर दे कहीं, ये नहीं मारेगा, ये कौन सी ब्रीड है? ये मिक्स है, विलायती मिक्स है, दो दांत का मेंढा, 105 kg वजन, चुपे रुस्तो तुम यार, हाँ ये देखो माशाल्लाह भाई, क्या तैयारी है बकरों, मेंढो की और बकरों की, ये देखो ये बकरे का, यहाँ पर जाके फ्रेम देखो खाली, बहुत बड़ा बकरा है फैसल भाई, माशाल्लाह क्या बात है यार, इनको बाहर निकालने के दिखाते थे यार फैसल भाई, लेकिन हिला धुला के जब कभी दिखाएंगे, एक महीना बाद, मतलब पुल ठंडी में दिखाने वाले, ऐसा जनवरी में 1 महीना बाद किया, तभी नॉर्मल क्लाइमेट होना चालू हो जाता, अभी अपने बकरे नहाएंगे, केज धुलेंगे, मेंटेनेंस होगा, सब चीज होके दिखेंगे बकरे, तो मजा आता है ना, मजा आता है, बकरा यूज दिख रहा है और साफ नहीं है तो मतलब नहीं, सही बात है, सही बात है, फायदा नहीं। ये सानियन, ये कश्मीरी है, ये सानियन है, इसके हथियार देखो माशाल्लाह, वाह 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 वाह, ये सानियन है, ये सानियन कश्मीरी, ये इसको अभी 15 दिन पहले नीला है, वापस करना होगा, उसने रस्सी देखो ना सिंग में फंसाया है, बहुत अवली है भाई, माशाल्लाह ये बहुत नीट एंड क्लीन है, ये इसको हर 15 दिन में निलाए जाते, वो खुद आके निलाते हैं, अच्छा, जिनका कस्टमर जो है, ये नुमान भाई का बकरा है मदनपुरा वाले, जो कश्मीरी का काम करते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये फ्लफी है, ओके भाई, तो ये सर्विस आप प्रोवाइड करते हो क्या लोगों को, क्या आके आप अपने बकरे को निला सकते हो? खुद मोहब्बत ही है ना वो लोग, ऐसा तो हमारा ही काम है, हम लोग निलाते हैं, लेकिन वो बोलते भाई आप लोग नहीं निलाओ, हमारी तो थोड़ी मोहब्बत झलकने दो बकरों पे, अच्छा, तो वो आते 15 दिन में बिरयानी भी लेके आते, 25 लोग खाते भी है साथ में, बकरे भी निलाते, तो बीच बीच में अपन अपने भी बकरे घुसा देते, भाई ये निला, सही है सही है सही है, तुम्हारे को मोहब्बत ही करने का, तो सब बकरों से करो, हमारे ही बकरों से करो, क्या बात है, ये मोस्टली मालवा लाइन, इसमें मालवा मालवा लाइन है ये साइड, सही है, सबको ऐसे, ये मालवा की फिटिंग देखो भाई भाई भाई, तुमने बकरे बाहर नहीं निकाल के लोगों के दिलों पे ना वो कर दियो, निकालेंगे और तुम्हारे को बुलाऊंगा इंशाल्लाह भाई, ये प्रॉमिस है, वादा करना चाहते,
कि भाई ये बकरे दिखाएंगे अपन, शो करेंगे इंशाल्लाह। बोर है, मालवा है इसके अंदर माशाल्लाह। ये देखो पतीरा गुजरी है, ये देखो। और खस्सी का भी अच्छा खासा कलेक्शन है, थोड़े बहुत तैयार हो रहे अपने यहाँ पर। हाँ हाँ, ये नहीं मारेगा, इधर आ जा। अच्छा माशाल्लाह, ये अभी छोटा है, मतलब छोटा है ये। अदंत का दांत किया है, दो दांत किया है इसने। भाई अच्छे लंबे कानों का बच्चा है माशाल्लाह। कौन सी ब्रीड लाइन का है या ऐसा ही है? हैदराबाद नहीं, ये बेंगलोर से है। हाँ। फाहिम पाशा करके उनका बकरा। अच्छा, उन्होंने दिए थे, 6 महीना इसने लिया खाली सेट होने के लिए। ओके। तभी ओपन बाड़े में था, 18 नंबर बाड़े में। हाँ। ये बहुत ज्यादा मचाने लग गया वहाँ पर, बै 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 बै, तो मैंने केज में ला के डाला। कस्टमर इतने मतलब कोऑपरेटिव है ना अपने कस्टमर मैक्सिमम। मैं उनको बोलूंगा अगर ओपन में रखने का तो बोले भाई ओपन में रख दो, और केज में डाल दूंगा तो भाई आप सामने से बोलते हैं भाई आप केज की पलाई तुम चालू करो। अच्छा, वाह 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 वाह, माशाल्लाह। लोगों ने ना बना के रखे, ऐसे कस्टमर से रिलेशनशिप बना के रखना पड़ती है मैक्सिमम। ये कश्मीरी भी अपना ही बेचा हुआ है, दो दांत का है अभी फिलहाल। हाँ वाह, मतलब भाई फैसल भाई से बकरे लो और पलाई पे दो, माशाल्लाह बकरे अच्छे तैयार होते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी वारंटी अपन नहीं देते कि भाई मेरे से लोगे तो बना के दूंगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं भाई। ये देखो फिर ये बनाने वाली जात तो अल्लाह की, ये खुदा ही दावा हो जाएगा। समीर भाई देखो, ये बेवकूफी की बातें होगी कि मेरे से लोगे तो ही बकरा बनेगा। मैं तुम्हारे को देवनार का आया हुआ बकरा भी बताऊंगा, कट्टू में से आया हुआ बकरा, और आज के तारीख में कैसा तैयार है। तुम बोलोगे कि भाई ये देवनार का है नहीं, ऐसे दो बकरे आए थे बैक टू बैक, एक तैयार नहीं हुआ, वो परसों ही संडे के दिन घर पे लेके चले गए। अच्छा। मैं उनको बोला भाई इसको पर्सनल अट्रैक्शन चाहिए, क्योंकि हर 15 दिन में बुखार में आता था। ओके। तो वो चीज़ है ना, वो लेके चले गए, वो समझ गए उनका और एक बकरा। लेकिन दूसरी पार्टी का देवनार का ही बकरा चारों पैरों में FMD लेके आया हुआ, चारों पैर के खूर निकल गए थे, और वो आज के तारीख में 68 kg। तो वो भी बताओ, इस सीजन का ही बकरा है, मतलब लास्ट सीजन का है, जुलाई में आया हुआ है मेरे पास माशाल्लाह। ये कौन से ब्रीड के अंदर मैक्सिमम कोटा है और छोटे हैं। कुछ बकरे आए थे अपने पास एनेमिक कंडीशन में आए थे। हाँ हाँ। और ये देखो, ये एनेमिक कंडीशन में आए थे और इसके बाल बिल सब जा रहे थे, अभी ये रिदम में आए हुए। हाँ हाँ हाँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेट हो रहे थे माशाल्लाह, काम चालू है। किस चीज का काम चालू है वो भी हम लोग बताएंगे इंशाल्लाह लोगों को। यहाँ पर देख लो, ये देखो। अच्छा, ये इसने तो नहीं किया है ना? नहीं, वो दूसरा मेंढा उसने किया, ये तो बेचारा कल ही आया। अच्छा, तो इस पे इल्जाम नहीं दे सकते। जल्दी आया अभी, मतलब कल ही आया है ये, थोड़े दिन का नहीं, मरीनो है, थोड़े दिन के बाद में ये मचाएगा। हाँ नहीं है तो चीज बहुत जोरदार हुआ। अदंत दांत की है ये, चार दांत, चार दांत पे बहुत अच्छे, सॉरी दो दांत पे बकरे। मैंने देखा है कि मतलब एक वेट के अच्छे बकरे लो तो रिजल्ट अच्छा आता है, तो आप कैसे बकरे लेते हो पलाई पर? मैं बोलता हूँ मेरे को चैलेंज दो। हाँ अच्छा, इंशाल्लाह मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सही है, तो फिर भी आप मतलब कोई 25 किलो का बकरा ला के देगा तो भी आप लोगे? ऐसा है, उसमें ऐसा नहीं रहता कि भाई मेरे को थोड़ा, लेकिन मेरी पलाई उतनी रहेगी, पलाई उतनी रहेगी। हाँ अच्छा, पलाई उतनी रहेगी, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं। अगर 25 किलो का लाके दे रहे हो तो तुम बोलोगे पलाई 2000 लो तो वो नहीं है, क्योंकि उस पर मेहनत है सप्लीमेंट की। सही बात है, हर चीज की मेहनत होती है। सही, मॉर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और मॉर्टेलिटी ऐसा है कि भाई देखो वैसे भी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। सही बात, लेकिन होती है तो एक फार्म पे धब्बा लग जाता है ना, मॉर्टेलिटी हुई। बकरा अगर गया, और ये भी बकरा देखो, ये भी आया था, ये मिक्स ब्रीड में बकरा, इसका पेटा देखो बोर क्रॉस है ये शायद, ऐसा लग रहा है, लेकिन मिक्स ब्रीड में आया हुआ है। लेकिन बहुत लेकिन ये भी है ना, पहले 18 नंबर बाड़े में था, अभी यहाँ पर शिफ्टिंग हुए हैं। ओके, तो अपने यहाँ पर है ना जूनियर केजी, सीनियर केजी, अच्छा ऐसा नर्सरी सब ये लगता है। फीड में अपन क्या दे रहे फैसल भाई? हरी पत्ती है, और हरी पत्ती है, मकई है, गेहूं है, लेकिन ये खुद मेरा फीड बना रहा हूँ मैं, हर चीज का पर्सनल से बना रहे, डेली बनते है, दिन में 2 टाइम बनता है, 2 टाइम ये फीड जाता है। अच्छा सही है, देखो माशाल्लाह यहाँ पे काम भी चालू है। अगली वीडियो में हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से केज का काम चालू है। हाँ। और अब कौन सी चीज़ का काम चालू है, केज का तो नहीं। हाँ। क्या काम चालू है वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। फैसल भाई ये वीडियो को हम लोग यहाँ क्लोज कर दें, मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह आगे की वीडियोस पर टाइमिंग पे तुम क्लोज कर रहे हैं ताकि लोगों एक्साइटेड रहे कि सेकंड में क्या हो रहा है अगली वीडियो। मेरे को मालूम है ये वीडियो तुम है ना जो है ना वो चौथी डालेंगे तो ये वीडियो क्लोज करते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।